दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की है। इन तस्वीरों को देखकर के आप लोगों ने अंदाजा लगा दिया होगा कि ये तस्वीरें क्या है। अगर समझ में नहीं आया है तो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में स्पा सेंटर की आड़ में लगातार अनैतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हालांकि इस प्रकार की शिकायतों के बाद पुलिस की ओर से कई बार कार्यवाही भी की गई। उन कार्यवाहियों में यह साबित हो गया कि यहां पर स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही है, जिसके कारण मुकदमे दर्ज हुए और उन पर कार्यवाही हुई और सजा भी हुई। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार के काम बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कुछ युवतियां एक ऑटो में बैठकर भागती हुई जा रही है। दरअसल बीती रात बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पुलिस और प्रशासन के पास ऐसी शिकायत थी कि बाड़मेर शहर में जो स्पा सेंटर चल रहे हैं वहां पर अनैतिक गतिविधियां चल रही है, वहां पर कुछ गलत हो रहा है। और जैसे ही रात को 9-10 बजते हैं तो लोग शराब पी करके वहां पर हा हुल्ला करते हैं और ये तमाम स्पा सेंटर रहवासीय क्षेत्रों में खुल रहे हैं। लोगों का वहां पर जीना मुश्किल हो गया है, वहां पर बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है, वहां के शांत वातावरण को दूषित किया जा रहा है। और इसी शिकायत पर देर रात को बाड़मेर के उपखंड अधिकारी और पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो ये देखिए कि स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियां किस तरीके से मुंह छुपाती हुई एक ऑटो में बैठकर भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ युवतियों को पकड़ा भी था, कुछ लड़कों को भी पकड़ा था। लड़कों को तो 151 के तहत बंद कर दिया गया, लेकिन लड़कियों से पूछताछ की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्पा सेंटर में काम करने वाली कई ऐसी युवतियां हैं जो बाहरी राज्यों की हैं, जिनके पास ना तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, ना कोई ठोस दस्तावेज है, न जाने ये लोग कहां से यहां पर आकर के यहां की शांत आबो हवा को, यहां के शांत वातावरण को इस प्रकार से दूषित कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जब भी पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस को ऐसी शिकायत मिलती है, तो ये लोग अपने स्पा सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं। जैसे ही पुलिस और कोई टीम अंदर आती है तो ये लोग पहले से ही सचेत हो जाते हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन पुलिस जब बोगस ग्राहक भेज करके वहां पर गतिविधियां देखती हैं तो उसके बावजूद कई बार कार्रवाई हुई है। अगर बाड़मेर की बात करें तो पिछले 1.5 साल में यहां पर 2 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर खुल चुके हैं और इन्हीं स्पा सेंटर से न तो बालोतरा जिला छूता रहा है, न पचपदरा रहा है और न ही जैसलमेर रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लगातार स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक जो गतिविधियां हो रही है उनके पांव पसरते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन प्रकार के अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन और तमाम जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो किस तरीके से एक अभियान चला करके इन प्रकार की गतिविधियों को बंद करते हैं। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का असर इन स्पा सेंटर की आड़ में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही है उनका पड़ता है। आसपास के लोगों का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार के स्पा सेंटर की आड़ में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही है इन तमाम गतिविधियों पर रोक कैसे लगती है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां भी हुई, जुर्म भी साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद ये काम चलते आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाड़मेर की अलग अलग स्पा सेंटर, हालांकि कुछ स्पा सेंटर के हमने विजुअल चलाए हैं। ऐसे स्पा सेंटर बाड़मेर में करीब करीब 2 दर्जन से अधिक हैं और लगातार खुलते जा रहे हैं। तमाम दर्शक हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें कि आपको लगता है कि ये जो काम चल रहे हैं ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इनका असर कितना बुरा पड़ता है। आखिर इन प्रकार के जो कार्य हैं इनके खिलाफ कौन बोलेगा और कब बोलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।